अलवर जिला स्तरीय छात्र छात्राओं का सम्मान और वह भी लिमिटेड स्तर से, क्योंकि समय कम था इसलिए मात्र जैन समाज के ही 10th और 12th के छात्र छात्राओं को ही शामिल यहाँ मौका दिया गया शामिल होने का। हम लोग ब्लॉक स्तर से कराया था, पूरे ब्लॉक के जितने भी छात्र छात्राएं थे, और अगर लोगों को याद हो तो राजस्थान में मैंने लक्ष्मण तहसील जिला अलवर में तो तहसील स्तरीय उसमें जैन अजैन सारे छात्र छात्राएं शामिल थे। बाकी के प्रादेशिक स्तर से, जिला स्तर से, और जब मैंने प्रतिभा सम्मान शुरू किया तब बहुत तरह की आवाज़ें उठी। आज तो हर समाज के लोग इस प्रतिभा सम्मान में रुचि नहीं लेते हैं, विभिन्न समाजों में अब प्रतिभा सम्मान का बहुत क्रेज बढ़ा है। बंधुओं, अब्दुल कलाम से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। आपको ज्ञात होगा देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे, लेकिन जो भारतीय संस्कृति उनके शब्दों में नहीं थी उनके जीवन में थी। बड़ा संघर्ष किया था अब्दुल कलाम ने, शायद आपको मालूम होगा जिन्होंने इनका जीवन इतिहास पढ़ा है। और मुझे जो पढ़ने मिला कि वह बचपन में यहां तक स्थिति थी कि वे अखबार बेच करके अपनी पढ़ाई करते थे, और इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, मेहनत परिश्रम। एक बार क्या हुआ, हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह हो रहा था। अब्दुल कलाम वहां मुख्य चीफ थे, और आपको ज्ञात है वे छात्र छात्राओं में, बच्चों में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। तो स्टेज पर कुर्सी लगाई गई, राष्ट्रपति देश का है तो उनके लिए विशिष्ट कुर्सी और बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया। जब अब्दुल कलाम मंच पर पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा, ये स्थान इतना ऊंचा क्यों? लोगों ने कहा, आपके लिए नहीं, इस पर कुलपति बैठेंगे। और वह कुर्सी वहां से उठाई और उन्होंने सबके साथ बैठना शुरू किया। या था अब्दुल कलाम की अपनी नम्रता सरलता से। विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत आपने की होगी और आप परसेंट अच्छा लाने का प्रयास करते हैं। मुझे विशेष रूप से माँ पिता से कहना है, आज चारों तरफ परसेंट परसेंट परसेंट, और इसको लेके हमारे छात्र छात्रा बहुत डिप्रेशन में आ रहे हैं। मेरे पास 101% वाले स्टूडेंट और 19 वर्षीय प्रतिभा सम्मान 20वां 2019 में होना है, जैसा अभी आपको बता रहे थे 91 जेलों के कैदियों के अपराधियों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला है। एक से एक वर्ल्ड के क्राइम करने वालों के बीच में मैं बैठता हूँ और प्रयास करता हूँ कि उनकी मानसिकता बदले, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बन के जीवन जी सकें। एक छोटा सा हमारा प्रयास
पूरे भारतीय स्तर से चलता है, मुझे बहुत अच्छी सफलता उसमें मिली है। और मैं एक बात कहता हूँ, जितनी जेलों में लोगों के जीवन में मैंने परिवर्तन देखा, मेरी सभा में जंदल मंच मेरा हुआ करता है, हर मजहब के लोग हुआ करते हैं, लेकिन जितना परिवर्तन अभी अभी मेरा तिहाड़ जेल में 91वां प्रवचन जेल नंबर शायद 3 में हुआ था, और सारा शासन प्रशासन इस बात से हैरान था कि वहाँ नियम लेने वालों की इतनी लाइन लग गई कि मुझे भी थोड़ी सी जल्दी थी तो उन्हें बिठालना पड़ा कि भी बहुत हो गया। सैकड़ों की संख्या में वह बियर बाइन और आमलेट मीट और नाना प्रकार के नशा, तो मैं आपको बताऊं उनमें बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। जो जितना बिगड़ा हुआ व्यक्ति होता है उतना जल्दी जीवन में सुधार भी हो सकता है। खैर, शिक्षा का उद्देश्य मात्र वेतन प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य मात्र परसेंट बनाना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिग्री प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छा इंसान बनना, शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य है मानवीय गुणों का विकास, शिक्षा का उद्देश्य अपने क्लास टीचर, अपने गुरुजन, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, और शिक्षा का उद्देश्य है नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा बनने की कला जो सिखाए वह शिक्षा कहलाती है। मैं परसेंट की बात एक माता पिता से भी कहना चाह रहा था, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं, उन्हें निकलना भी होगा, मैं बहुत कम टाइम आपका लूंगा। परसेंट को लेके कभी भी बच्चों पर प्रेशर न डाले, और मैं आपको बताना चाहता हूं 65% वाले छात्र छात्राएं IAS, IPS, IIT में सिलेक्शन हो रहा है, और 99 वाले नींद निकालते रहते हैं जब IIT का प्रोफेसर लेक्चर देता है। परसेंट ही सब कुछ नहीं है, परसेंट के साथ साथ उस छात्र छात्रा की प्रतिभा, और मुझे छात्र छात्राओं से कहना है, मुझे मालूम है आपकी जिज्ञासा होगी, संत जी आपको मालूम नहीं है, ये सारे यहां बड़े बड़े बैठे हैं, ये तो 33 नंबर आ जाते पास हो गए, और फर्स्ट क्लास तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, आज से 30-40-50 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूँ, आज 96% और 97% वालों के छात्र छात्राओं के अच्छे स्कूल कॉलेजों में एडमिशन दाखिला होने में दिक्कत है। लेकिन इसके बाद भी ज़्यादा परसेंट के चक्कर में मेरे पास बहुत IAS, IPS वाले स्टूडेंट, मेरे पास CA करने वाले स्टूडेंट, मेरे पास मेडिकल कॉलेज में जिनका एडमिशन हो गया है, भी डिप्रेशन वाले मेरे पास छात्र छात्र आते हैं। हम लोग कार्यशाला लेते हैं, प्रयास करते हैं उसे डिप्रेशन से कैसे बाहर निकालें, तो आज परसेंट के चक्कर में बहुत ज्यादा छात्र छात्र डिप्रेशन में जा रहे हैं, और कई अप्रिय घटनाएं भी घटी हैं। दूसरी बात, माता पिता से मुझे कहना है, हर माता पिता अपने छात्र छात्रा को डॉक्टर बनाना चाहता है, एडवोकेट बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, कलेक्टर बनाना चाहता है, लेकिन अच्छा इंसान कोई माता पिता अपनी संतान को बनाने तैयार नहीं। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है, सच्चरित्र। आज शिक्षा जगत की विकृतियों की बात मैं अभी नहीं करना चाह रहा हूं, विद्यार्थी का समग्र जीवन का निर्माण करना,
यह है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षित मनुष्य की पहचान है प्रामाणिकता, ईमानदारी, सरलता, सहिष्णुता, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति समर्पण की भावना। आज शिक्षा जगत में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं वे सब बातें नहीं करना चाहता हूं। बहुपक्षीय, बहुआयामी विकास कैसे हो, तो निश्चित मुझे सम्मानित छात्र छात्राओं से अपेक्षा है, माता पिता से अपेक्षा है, कभी भी बच्चे पर प्रेशर न डालें, उसकी चॉइस देखें। वह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, वह इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, वह सीए करना चाहता है, उसे थोपिए मत। वह चाहता है मैं सीए करूं, और आप उसे चाहते हैं नहीं तू एडवोकेट बन, तू डॉक्टर बन। इससे हमारे स्टूडेंट डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। दूसरी बात, विद्यार्थियों से मुझे कहना है, हर व्यक्ति के उन्नति में कहीं ना कोई सहयोग बनता है। आज आपका अलवर जिला स्तरीय है, और जो 90% छात्र छात्र आए हैं, वैसे ऑनलाइन से आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, दिसंबर में 20वां अखिल भारतवर्षी प्रतिभा सम्मान आपके राजस्थान में ही होगा, अभी निश्चित जगह नहीं हुई है, वो दिसंबर में होता है। भी छात्र छात्राएं अपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराएं, और आप देखेंगे पूरे भारत के करीब 25 से लेकर 30 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, देश की पूरी क्रीम, मेरे पास अभी 650 की तो सूची आ चुकी है, अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, पूरे भारत की क्रीम, दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी, मंदिर मार्गी, पूरे देश की क्रीम उसमें आती है, तमिलनाडु से लेके, केरला से लेके, और ऐसे ऐसे राज्य से छात्र छात्र आते हैं, पूरे राज्य में जैन मंदिर ही नहीं है। आप सुन के आश्चर्य करेंगे, और आपने भी सुना था ऐसे छात्र छात्र आते हैं, पहली बार अपने जीवन में दिगंबर साधु के दर्शन करेंगे। श्वेतांबर है, थानकवासी भी हैं, उनने कभी, खैर, तो मैं छात्रों से चाहता हूँ, छात्र छात्राओं से भी, अपनी सीमाओं के अंदर रहें, मर्यादाओं के अंदर रहें। आज स्थिति यह है, कोई भी छात्र छात्रा अपनी माँ की बात, पिता की बात सुनने तैयार नहीं, और एक नई बीमारी कहें या फैशन कहें, वो फैशन है, वर्ल्ड के शिक्षाविद के चैनल से बोल रहा हूं, शिक्षाविद कह रहे हैं, जितने बड़े बड़े काउंसलर हैं, 12th क्लास तक के बच्चों को अपने गांव, अपने नगर शहर में ही पढ़ाना चाहिए। और आज तो ऐसी हुड़ मची है, बच्चे को बाहर, तिजारा वाले गुड़गांव दिल्ली, और दिल्ली वाले बेंगलोर, और बेंगलोर वाले अमेरिका, एक फैशन सा बनता जा रहा है, प्रेस्टीज बॉन्ड बन गया है। तो भैया, इन चीजों में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। होता क्या है कि मेरा फ्रेंड, मेरी सहेली तो पापा बेंगलोर में जा रही है, वो दिल्ली में जा रही है, गुड़गांव में जा रही है, तो फिर पापा कहते हैं ठीक है भाई। तो इस विषय में थोड़ा सा माता पिता भी ध्यान रखें, और स्टूडेंट भी ध्यान रखें। दूसरा, बच्चों में संस्कार होना बहुत जरूरी है। आज मोबाइल का, इंटरनेट का बड़ा मिसयूज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया रोज सावधान कर रही है, स्मार्टफोन घातक बीमारियों का कारण, स्मार्टफोन, ये सब वैज्ञानिक बातें,
और एक कैटिंग के पेपर हैं, कुछ विशेष अखबारों कटिंग है जो विज्ञान में तथ्य रखे हैं। एसोचैम की रिपोर्ट बताना चाह रहा हूँ, 40% छात्र छात्रा युवा युवती को रात में नींद नहीं आ रही है। ये बड़ा गंभीर विषय है। पहले टाइम था सोने का जागने का, जल्दी सोना जल्दी उठना। अब आज के बदलते परिवेश में देर से सो देर से उठो और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। सारे चिकित्सक वैज्ञानिक कह रहे हैं रात सोने के लिए है, रात जागने के लिए नहीं है। आपको मालूम नहीं महाराज, रात में पढ़ाई हो जाती है वो सुबह जग नहीं पाते हैं। रात में पढ़ाई हो जाती है, शरीर की अपनी सीमा है। और वैज्ञानिक तथ्यों की ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, 11 बजे से 3 बजे की जो नींद है वह 3 घंटे की नींद 6 घंटे का काम करती है। और जो बाद की नींद है ये आपकी मेमोरी के लिए घातक बन सकती है। अटेंशन शिकायत हर छात्र छात्रा की है, मैं पढ़ने बैठता हूँ तो कहीं तो YouTube की याद आती है, कहीं PUBG गेम की याद आती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शशांक तरुण जैन, पुत्र अनिल कुमार दुर्गापुर, प्रपौत्र जयप्रकाश जैन नावले वाले मुजफ्फरनगर, श्री संजय जैन बीड़ी वाले मेरठ, श्री गुलशन राय, श्री अनिल कुमार जैन, श्री राजेश कुमार, श्री प्रदीप कुमार जैन गांधीनगर दिल्ली, श्री अजय कुमार जैन, श्री प्रदीप कुमार जैन गांधीनगर दिल्ली, श्री अनिल कुमार जैन, श्री राकेश कुमार जैन, नितिन जैन, राहुल जैन, मास्टर आरजो जैन एवं आमर्श जैन, मनीषा होजरी गांधीनगर दिल्ली, श्री रवि जैन, सुषमा जैन, निखिल जैन, ऋतिका जैन, निर्वाण जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।